It has never been easy to wake up in the morning. So hi guys, a very good morning everyone, and today I'm starting my day with Dalia. So aaj plan ye hai ki I'll be reliving my high school days and I'll show you a day in my life in my 11th 12th jab main JEE ki preparation, SAT, AP exams, har cheez ki preparation karta hota tha. And aaj hai Monday, so I have my IP class, that is informatics practices, at 7:30 AM and abhi ho rahe hain 6:50 AM. So I'll finish up my Dalia and go to school, which is my same school, Springdale Senior School, and I'll be going the same way jaise main pehle jata tha, in Activa. So super super excited. तो वहाँ पे रोज़ मम्मी बैठे होते थे, चाहे सुबह 5 बजे जाना हो या 6 बजे. शी यूज़ टू बी रेडी. एंड बाय मम्मी एंड बाय नानी. बाय बेटा. अभी हालत थोड़ी सी खराब है एक्टिवा की, पर पहले अच्छी होती थी. बट एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी द सेम. सो सेल्फ स्टार्ट डजंट वर्क एनीमोर आइदर. One eternity later. Petrol बिल्कुल भी नहीं है. पहले हम petrol डलवाएंगे, then I'll proceed to school. My hands are freezing. Oh my god. सौदा पेट्रोल पा दो. सो सीन ये है कि एक्टिवा की चलाने लायक हालत बची नहीं है. कहीं पे भी रुक सकती है, ब्रेक्स भी अच्छी नहीं है, हर जगह किक मारना बहुत मुश्किल है. सो आई विल गो टू स्कूल बाय कार. सो फाइनली वी आर गोइंग इन कार. और मैं आकाश की इंट्रोडक्शन कराना ही भूल गया. सो ऑल्सो मीट आकाश. हेलो, आई एम आकाश फ्रॉम अमृतसर, हरनूर माय ब्रदर. एंड मोस्टली मैं एक्टिवा पे ही जाता था, और कभी कभी मतलब जैसे एग्जाम्स में हमेशा आकाश भैया ने बहुत साथ दिया, और आज भी मतलब इसी कारण कार में जा रहा हूँ. और आपको शायद पता ना हो, रोज सामने से ना एक पाकिस्तान की बस जाती होती थी, जो अमृतसर से पाकिस्तान बस में लोग जाते थे, और वो हमें ओवरटेक नहीं करने देते थे. पर आकाश भैया ने मुझे टिप दी कि बुक्स दिखाओ बैग में कि मेरा एग्जाम है और मुझे जाना है, फिर वो ओवरटेक करने देते. एक्टिवा को ओवरटेक करने देते थे पर कार को नहीं करने देते थे. सिर्फ उनकी वजह से हम कर पाते थे. फाइनली मेरिट टू स्कूल. पहले यहाँ पे बसेस खड़ी होती थी, मैं पहले 10 तक बस में आता था, फिर एक्टिवा पे आता था, और एक्टिवा को वहाँ पे पार्क करते थे और फिर सीधा स्कूल यहाँ एंटर करते थे. सो आज हॉलीडे सीजन कारण स्कूल बंद है, पर मैं अपने टीचर्स को लास्ट वीक ही मिलाया था. एक अलग ही खुशी मिली, एक अलग ही मज़ा आया अपने टीचर्स को थैंक करके. और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स चाहे टीचर्स को भूल जाते हैं, पर टीचर्स कभी अपने स्टूडेंट्स को नहीं भूलते. और बहुत ही वार्म वेलकम था, बहुत मज़ा आया. और मेरी स्कूल के टाइमिंग्स होते थे सुबह 7:30 से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, जब आईपी क्लास होती थी. और 2-3 दिन मैं आईपी क्लास नहीं जाता था, कंप्यूटर साइंस क्लास, तब होती थी टाइमिंग्स सुबह 9:30 से लेकर 1 बजे तक. तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता था. और स्कूल से जाके मैं सीधा जाता था आकाश इंस्टीट्यूट फॉर माई ट्यूशन क्लासेस इन 11th. अभी मैं आपको 12th क्लास का शेड्यूल बाद में बताऊंगा, बट टॉकिंग अबाउट माई 11th ग्रेड, तो स्कूल से मैं सीधा आकाश इंस्टीट्यूट जाता था, दैट इज इन रणजीत एवेन्यू. तो 15 मिनट्स लगते थे, एंड वहाँ की टाइमिंग्स होती थी 3:30 PM टू 7:30 PM. तो उस ट्यूशन क्लास के बाद मैं सीधा घर जाता था, एंड आई यूज टू रीच होम बाय 8 PM. सो इन स्कूल बसेस से मुझे याद आया, जब मैं 10th तक स्कूल में बस में जाता था, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ पंजाब, लड़ाई है कॉमन है. तो जब भी छोटी छोटी बातों पे ना एक दूसरे को कहते थे, कल मुझे तो 6 बजे ग्राउंड में मिली, मजाक में हो या दुश्मनी में हो. पर मैंने ज़िंदगी में यही सीखा कि कोई आपसे दुश्मनी करने की कोशिश करे तो उसे प्यार से एक बार समझाने की कोशिश करो, क्योंकि प्यार में इतनी बड़ी ताकत है कि प्यार से दुश्मन का दिल भी बिगड़ जाता है. तो इस कारण मेरे सिर्फ दोस्त ही बने हैं, कभी दुश्मन नहीं बने. स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और आईपी क्लास के बाद 11th में होता तो मैं होता आकाश इंस्टीट्यूट, पर मैं 12th में हूँ जब मैंने जेई प्रिपरेशन क्विट कर दी थी. तो इस कारण घर आते ही आई प्ले सीप विद नानी. और वैसे भी मुझे ब्रैम्पटन जाके पता चला दैट इफ यू डोंट नो हाउ टू प्ले सीप देन यू आर नॉट पंजाबी. सो आई एम प्राउड दैट आई नो सीप एंड नानी टॉट मी दैट.
वाह क्या बात है, टाई गेम, वेल डन नानी, वेल प्लेड। तो अब अगर मैं 11th में होता तो मेरे बैग में दो लंच ऑलरेडी पैक होते, एक जेई प्रिपरेशन के लिए आकाश इंस्टीट्यूट के लिए, एक फॉर माई स्कूल, एंड मैं खा के घर आके अभी डिनर कर रहा होता। बट एज दिस इज 12th ग्रेड, सो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SAT, सो दिस इज माई प्रैक्टिस टेस्ट पेपर। सो बेसिकली लाइक आई डोंट हैव एनी बुक्स राइट नाउ, कि नानी ने सबको दे दिए, शायद बेच ही दी है AP बुक्स, जो भी मैं बेच नहीं पाया था जाने से पहले, मैंने सारी OLX पे ऐड डाल दी थी, तो जो बिक गई वो बिक गई, उसका तकरीबन 40% शेयर आ गया था, और जो बुक्स नहीं बिक पाई वो नानी ने रद्दी के भाव बेच दी है, सो इस कारण आई विल जस्ट बी शोइंग यू ऑल माई मटेरियल्स ऑनलाइन। और वैसे तो हाई स्कूल लाइफ के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, सच एज रोमांस एक्सेट्रा, बट फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट जेई प्रेप। सो एज वी हैव ऑलरेडी हर्ड दैट मोस्ट ऑफ द IITians और मोस्ट ऑफ द IIT टॉपर्स हैव बीन स्टडिंग फॉर लाइक 12 आवर्स एवरी डे, बट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, सो आई वॉज बेयरली स्टडिंग लाइक 3-4 आवर्स और 4-5 आवर्स, क्योंकि 8 बजे घर आना, 9 बजे पढ़ना शुरू करना, 3-4 घंटे पढ़ के 1 बजे सो जाता था, सुबह फिर से 6-6:30 उठना, सो इट वॉज प्रीटी हैक्टिक, सो इतना ही पढ़ता था, और आई वॉज मेनली फोकसिंग, आई मीन आई वॉज मोर इंजॉइंग बाई प्रैक्टिसिंग NCERT प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं स्कूल रोज जाता था 11th में, तो हमारे स्कूल में NCERT के बैग साइज में प्रॉब्लम्स मार्क कर देते, वो करने में मज़ा ही कुछ और होता था, ईजी लगते थे, क्योंकि स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाया होता था, बट ट्यूशन सेंटर में जो पढ़ाया होता था और जो होमवर्क मिलता था, मैथ्स तो करता था बट डिफिकल्टी लेवल यहाँ से यहाँ होता था, सो दैट्स व्हाई आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग। सो आई स्टार्टेड विद SAT प्रिपरेशन, और अभी बज रहे हैं 1:30 PM एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई रीच बैक होम एंड आई एम गोना स्टार्ट डूइंग दैट। सच बताऊं तो पढ़ाई में कभी मन लगा नहीं, ऑल्सो एक डर रहता था कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, सो आई डिडंट परफॉर्म वेल इन माय SAT एग्जाम, बट आई डिड परफॉर्म वेल इन माय SAT सब्जेक्ट टेस्ट, सो दैट्स द रीजन इट काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी, अगर मैं उसमें परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ तो क्या पता ACT में शायद लक चल पड़े, सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ACT प्रिपरेशन एंड हियर इट इज। So talking about my ACT preparation, it went pretty smooth because I found it easier as compared to SAT. But the only problem was there was no center for ACT in Amritsar. So I had to go to Chandigarh and it went smooth from there because my score was good. Then I started applying and then I changed the gear and started preparing only for my board exams. तो बहुत हुई पढ़ाई की एक्टिंग, नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माय फेवरेट मेमोरीज ऑफ हाई स्कूल, दैट इज प्रॉब्ली प्यार, लाइक बचपन का प्यार, हाई स्कूल का प्यार, कॉलेज का प्यार, जो मुझे काफ़ी हद तक सैक्रिफाइस करना पड़ा बिकॉज करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट, बट इससे भी ज़्यादा मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल है लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, बिकॉज दैट इज एपिक, मच बेटर देन लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज, क्योंकि हर साल बाद, चाहे वो 8th के बाद हो, 9th के बाद हो, 10th के बाद, 11th के बाद एंड 12th के बाद, इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी क्योंकि बाद में JEE का स्ट्रेस था, पर 11th के बाद तक जो हैप्पी मोमेंट्स थी ना, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि लगता था कि लास्ट डे वाले दिन होता था पेपर शोइंग डे, तो पेपर देखने के बाद लगता था पास हो गए, अब बस लाइफ मतलब एक स्ट्रेस फ्री जोन में चली जाती थी, तो वो फीलिंग कुछ ऐसी होती थी कि आज के बाद नो एग्जाम, नो होमवर्क, नो टेंशन कुछ पॉइंट के लिए, पर कॉलेज में होता है कि हाँ अप्लाई करना, जॉब ढूंढनी है, करियर बनाना है, तो वो स्ट्रेस फ्री मोमेंट आज के बाद शायद कभी आएगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट दैट्स गोना बी माय फेवरेट पार्ट ऑफ हाई स्कूल। तो बचपन में मुझे दही जमाने का बहुत शौक था और मैं काफ़ी टाइम रात को जमा के सोता था, बट अब ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा तो इस कारण अब पॉसिबल नहीं, लास्ट टाइम मैंने जमाई थी नहीं जमी, इस बार कैस्ट्रॉल गर्म करके जमाने की कोशिश करते हैं, देखता क्या होता है। सो दैट्स इट विद द व्लॉग एंड आई एम एंडिंग माई डे विद पिन्नी, जो नानी ने सबके साथ मिलकर बनाई है एंड इट इज़ डिलिशियस। I would like to thank Wondershare Hi PDF for sponsoring this video. So Wondershare Hi PDF is an all-time PDF solution. So if you want to convert files from other formats like Microsoft Word, Excel to PDF or vice versa, you can use the online platform. So I remember the scenario when I had a Windows tablet with only 64GB storage. So I didn't get a chance to download applications from Play Store. So I directly went to their website and I could convert files online, even on my iPhone, MacBook or any kind of tablet, Android devices. So it's pretty amazing. And all you need to do is upload the file format of your choice and download in the file format of your choice. And if you want to get the unlimited access to this website, you can try the paid version and you can use the link in the description below for 38% discount. The best part about this application is privacy. So all the files you will be uploading will be deleted within 60 minutes of your upload time.